सुबह कंगना रनौत को गृह मंत्रालय ने वायु श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई, जिसके बाद कंगना ने ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। लेकिन अब कंगना ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज उनके मुंबई स्थित मणिकर्णिका फिल्म्स के ऑफिस में बीएमसी के लोग आए हैं और एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ये मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म्स का ऑफिस है, जिसे मैंने 15 साल मेहनत करके कमाया है। मेरा जिंदगी में एक ही सपना था कि मैं जब भी फिल्म निर्माता बनूं मेरा अपना खुद का ऑफिस हो, मगर लगता है ये सपना टूटने का वक्त आ गया है। आज वहां अचानक बीएमसी के कुछ लोग आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बीएमसी के ऑफिसर्स पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि बीएमसी वालों का वहां के लोगों से कहना है कि वो जो मैडम है उनकी करतूत का परिणाम सबको भुगतना होगा। दरअसल शिवसेना और कंगना रनौत के बीच लगातार विवाद जारी है। कंगना का आरोप है कि शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने की नसीहत दी है और जिसके बाद कंगना ने कहा कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही है और ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि ये मामला गाली गलौज तक पहुंच गया, जिसके बाद मामला इतना गर्मा गया कि कंगना के परिवार वालों को कंगना की जान का खतरा ही लगने लगा, जिसके बाद कंगना की सुरक्षा के लिए अपील की गई और गृह मंत्रालय द्वारा कंगना को वायु श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई। दरअसल कंगना सुशांत सिंह राजपूत केस में शुरू से बेबाकी से अपनी बात सामने रख रही हैं और यहां तक कि नेता भी नेता सभी को निशाने पर ले रही हैं, जिसके बाद से ये तकरार शुरू हो गई। देखना भी होगा कि 9 सितंबर को कंगना मुंबई आ रही हैं और आगे की क्या स्थिति बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली।